राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के जगतपुर गांव में तेंदुए के घुसने की सूचना ने सबको दहला दिया। तेंदुए ने गांव के कई लोगों पर हमला भी किया। तेंदुए के हमले में 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। तेंदुए का अचानक गांव में आने से दहशत का माहौल पूरी तरह से पसर गया। मौके पर थाना पुलिस भी पहुंची। दिल्ली में महीनों बाद एक बार फिर बुराड़ी इलाके में तेंदुए के आने से हड़कंप का माहौल है। अंतर केवल इतना है कि इस बार तेंदुआ मुखमेलपुर के बदले जगतपुर गांव में घुस गया है। तेंदुए के आने से जगतपुर गांव के लोगों में डर का माहौल है। इसकी सूचना मिलने के बाद थापा पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने तेंदुए के आने की सूचना वन विभाग की टीम को भी दी। सूचना के मुताबिक तेंदुए को एक घर के अंदर बंद कर दिया गया। लोग उसे जल्द पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके के मुखमेलपुर में दिसंबर 2023 को तेंदुए को देखा गया था। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा भी लगाया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों को उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली थी। 13 दिसंबर 2023 को सुबह 4 बजे थाना आलेपुर पुलिस को PCR कॉल पर सूचना मिली कि NH 44 के पास तेंदुए का शव पड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तेंदुआ सड़क हादसे का शिकार हुआ था। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज सोमवार सुबह वजीराबाद के जगतपुर गांव में भी एक तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। इसकी सूचना सुबह 6:14 पर PCR वजीराबाद को एक फोन के जरिए मिली। कॉलर ने बताया कि आदर्श नगर गली नंबर 3 जगतपुर गांव के पास एक तेंदुआ घुस आया है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी पहचान जगतपुर गांव के निवासी के रूप में हुई। आइए उन्हीं लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने मौके पर क्या कुछ देखा। जो भी है ठीक है ना, पर जहाँ मेरे घर पे जब मैं मौजूद आ जाऊँ, मैं मौजूद हूँ। मैंने लाठी चलाई है, वो लाठी चलाई है मैंने, 4-5 छुटाई है मैंने, पर मारता रहा मैं लाठी। हाँ, कुछ किसी को चोट और भी आई है? चोट आई है, 5-6 बालक है। 5-6 बालक आपके, मतलब घर में रहते हैं? हाँ, 2 बेटे मेरे हैं और पड़ोसी हैं जो मदद के तौर पे आए, उनके भी चोटें हैं। कैसे आया कुछ पता चला? भाई नहीं, इधर से बता, मैं इधर से आया। इधर से हमने तो नहीं देखा, जब अपने बाहर आ लिया। अभी कहाँ है वो? अंदर है, कमरे के अंदर। कमरे के अंदर आपके घर में? हाँ। बंद कैसे किया आपने? बंद जो आपकी जो टीम आई है उन्होंने बंद करे, बाकी हम साइड में जरूर रहे, पर रहे अपने घर में ही अंदर। जिनको चोट लगी उनकी हालत कैसी है? भाई वो हॉस्पिटल गए हैं। फिर भी ठीक है, बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, पड़ोसी है साथ में? हाँ जी, सब पड़ोसी हैं हमारे। हाँ ठीक। हाँ, बहुत लोगों ने साथ दिया, सारे गांव में साथ दिया। वो छोटे बच्चे जो चोट लगी हुई है। फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस तैनात है। तेंदुए को एक कमरे में कैद कर लिया गया है। तेंदुए के मौत के बाद से जो घटना दिसंबर 2023 में हुई, तब से बुराड़ी इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक बार फिर बुराड़ी इलाके में जगतपुर गांव में तेंदुए के देखे जाने से इलाके में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि बार बार बुराड़ी इलाके में तेंदुए का देखा जाना चिंता का विषय है। तेंदुआ खतरनाक जानवर है और इससे जान का खतरा भी हो सकता है। बाकी ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।